सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आपका टॉप से टुडे चैनल में स्वागत है। आज बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। मिड कैप स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक में ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है, खासकर पावर सेक्टर और पीएसयू बैंक में बड़ी रैली देखने को मिल रही है। इस बाजार में अभी किस स्टॉक में पैसे निवेश करने पर ज्यादा रिटर्न बन सकता है, इस वीडियो में हम एक ऐसे ही स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिस स्टॉक में ज्यादा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट या कंटिन्यूशन पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। आज के स्टॉक का नाम है रैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टॉक का वॉल्यूम देखें तो स्टॉक आज के दिन ओपन हुआ 186.80 रुपए पर। स्टॉक ने हाई लगाया 195.90 रुपए। अभी स्टॉक करंट लेवल पर 195 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और इस स्टॉक में 5% से भी ऊपर के अपसाइड मूव देखने को मिले हैं। स्टॉक के वॉल्यूम की बात करें तो बाय को आइडेंटिटी 27,48,028 है खरीदने वालों के नंबर्स। वहीं पर अगर हम सेलर्स को आइडेंटिटी बात करें बेचने वालों की संख्या तो नंबर ऑफ शेयर्स में 18,32,440 को आइडेंटिटी है। तो बायर्स के मुकाबले सेलर्स इस स्टॉक में काफी कम नजर आ रहे हैं। वहीं पर ट्रेड वॉल्यूम की बात करें नंबर ऑफ शेयर्स में तो लगभग 1,41,33,1,41,33,624 को आइडेंटिटी स्टॉक में वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो काफी बड़ी वॉल्यूम के साथ स्टॉक में लिक्विडिटी देखने को मिल रही है, साथ के साथ स्टॉक के प्राइस में भी काफी अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, जिससे साफ पता लगता है कि इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक के रिटर्न्स की बात करें तो पीछे के एक सप्ताह के अंदर स्टॉक में 4% की तेजी देखने को मिली है। तो वहीं एक महीने में 27%, 3 महीने में 25%, 6 महीने में 17% और 1 साल के अंदर 15% से भी ऊपर के अपसाइड मूव देखने को मिले हैं। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में काफी अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में एक टॉप बना 184 रुपीज का। 184 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक टॉप बनाया। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रही है, जहां पर स्टॉक का एक नीचे का एक सपोर्ट लेवल बना 142 रुपीज का। 142 रुपीज के इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया और यहीं से स्टॉक में एक अपसाइड मूव देखने को मिलाएगा। स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल बन चुका है 154 रुपीज का। 154 रुपीज के स्टॉक ने एक सपोर्ट बनाया और यहीं से स्टॉक में एक बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिला, जहां पर स्टॉक ने नया हाई बनाया 186 रुपीज का। ऊपरी लेवल पर स्टॉक ने करेक्शन देखने को मिला, जहां पर 73 रुपीज का स्टॉक ने एक रीटेस्ट किया और फिर से यहां से स्टॉक में एक अप ट्रेंड देखने को मिलाएगा। स्टॉक में पीछे के 3 दिनों से देखें तो एक बड़ी मात्रा में लिक्विडिटी भी देखने को मिल रही है स्टॉक में और स्टॉक के प्राइस में भी काफी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 185 रुपीज के एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 225 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। जब तक स्टॉक 185 रुपीज से ऊपर रहता है स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।